लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में चौथे दिन चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद आखिर वाल्मीकि समाज की मांगें मान ली गई। मुख्य रूप से एनकाउंटर करने वाले थानाधिकारी और साथी पुलिसकर्मी के निलंबन की मांग को लेकर अड़े थे, जिसे मान लिया गया है। डीसीपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि वार्ता के दौरान सभी बातों पर सहमति बनी है। चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाएगा, जांच सीआईडी सीबी करेगी। मुआवजे की मांग सरकार को विचार के लिए भिजवाई जाएगी। एडीएम की उपस्थिति में पोस्टमार्टम होगा। इधर धरने पर बैठे वाल्मीकि समाज के लोग पहले लिखित में ऑर्डर की मांग पर अड़े, फिर समझाइश के बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हुई। इधर धरने पर बैठने वालों का कहना है कि जब तक लिखित में आदेश नहीं आते तब तक धरना खत्म नहीं होगा, लेकिन बाद में बात मानते हुए पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। रात को 8 बजे भी कमिश्नर की हमारी बैठ के बात हुई थी एक जगह पे, और करीब करीब बातों पे बात हो भी गई थी। सीबीआई इंक्वायरी पे थोड़ी आनाकानी वो लोग कर रहे थे कि सीबीआई वो पुलिस, तो देखो पुलिस को बचाने का प्रयास करेंगे। रात को डीजीपी से मेरी बात हुई भावंडा से, वहां जब आई जी आए हुए थे, और हमारी प्रमुख मांग थी कि जांच सीबीआई करे। ये प्रमुख मांग थी, सीबीआई जांच के अंदर अपना आप सारी बात, स्टेट की कोई एजेंसी सीआई को मुलजिम नहीं बनाएगी। ये निलंबन की इनकी मांग थी, आर्थिक पैकेज सारी बातें थी। सुबह भी मेरी अधिकारी से बात हुई और इन डेलीगेशन से भी बात हुई, ये कह रहे थे हम मिल बात करना चाहते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल बातचीत करो,